भाजपा नेताओं का गौठान पर सवाल उठाना महंगा पड़ गया। दरअसल जब भाजपा कार्यकर्ता गौठान पहुंचे तो गौठान के मैनेजर ने भाजपाइयों को अंदर बंद करके बाहर ताला जड़ दिया, जहां दो घंटे तक भाजपाई अंदर बंद रहे। लेकिन जैसे ही भाजपाइयों का गौठान में बंद वीडियो वायरल हुआ तो पालिका अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इस घटना पर दखल दिया, तब कहीं जाकर गेट को खोला गया। गौरतलब है कि कुमारी के आदर्श गौठान में भाजपा नेता पहुंचे थे, जिन्हें गौठान के अंदर ताला लगाकर बंद किया गया था, जिसमें भाजपा नेता राकेश पांडे सहित परसदा के कुछ किसानों को बंद कर दिया गया था। इस घटना पर भाजपा नेता राकेश पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, परसदा गांव में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जितने भी गौठान का निर्माण हुआ है, गौठान में किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी है, क्या व्यवस्था अच्छी है या खराब है, भ्रष्टाचार है कम है कि ज़्यादा है, इस बात को देखने के लिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता निकल पड़े हैं। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है, यह परसदा गांव यहां पे हम देखने आए, यहां पर लिखा हुआ है आदर्श गौठान। ये किस प्रकार का आदर्श गौठान है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यवस्थाओं की कामबार लगा हुआ अव्यवस्थाओं का, और निसंदेह हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था देखने के लिए आए हैं तो भ्रष्टाचार का नमूना हमको देखना पड़ेगा कि ताला बंद कर दिया गया है। जब ताला बंद कर दिया गया है तो व्यवस्था देखने के लिए जानवर कैसे अंदर जाएंगे जहां इंसानों की एंट्री नहीं है, तो निसंदेह यह संदेह उत्पन्न करता है कि भ्रष्टाचार चरम पे है, ताला बंद है और इंसान बाहर है, जानवर तो अंदर नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोगों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ये बहुत शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी कुमारी मंडल, हमारे राजू निषाद जी, हम लोग सभी लोग इस बात की भर्त्सना करते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार किया तो उजागर होगा, भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, उसको जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसको बचने नहीं देंगे। केंद्र सरकार के पैसे से, केंद्र सरकार के पैसे को डाइवर्ट करके, परिवर्तित करके गौठानों का निर्माण हुआ है और इसमें वित्त आयोग का पैसा लगा हुआ है, DRFM के जो फंड होते हैं वो फंड को इसके अंदर में संयोजित किया गया है और भ्रष्टाचार को पहुंचाया गया। हम सभी आज इस पोल खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समस्त कार्यकर्ता, हमारे जिले से लेकर के और मंडल तक के सभी लोग हैं, हम सभी उपस्थित हैं यहाँ पर और हम वेट कर रहे हैं कि ताला कब खुलेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट।